नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्युद अकेडमी में। तो हमने सरकारी जॉब सीरीज जो स्टार्ट की है, सरकारी नौकरी की, उसमें मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आज मैं बात करने जा रही हूं महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल की, जो कि ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2019 के तहत निकाली गई है। तो हमने जो गवर्नमेंट जॉब की जॉब सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम अलग अलग जॉब पोर्टल से हमारी पूरी टीम वेल रिसर्च करके यहाँ पे आप तक जॉब्स के नोटिफिकेशन पहुँचाती है, जो कि 10th और 12th लेवल पे होते हैं ज़्यादातर। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2019 की, और जो साथ ही जो पोस्ट है वो 1847 है पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2019 के तहत, और SRPF आर्मी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22nd दिसंबर है। और आइए अब मैं महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी 2019 के तहत अब मैं आपको आगे डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट एंड रेलवे पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं वो 1019 है, और जो कि लेवल 1 के तहत निकाली गई है। और SRPF आर्मी पुलिस कांस्टेबल की 828 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कुल मिला के 1847 वैकेंसी निकाली गई है लगभग। और अब मैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ महापुलिस कांस्टेबल की ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट और रेलवे पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी के तहत जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास है और रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ, और SRPF आर्मी पुलिस कांस्टेबल की भी जो 12th पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ, जहाँ से भी आपने किया हो। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और रेलवे पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी की एज लिमिट है वो है 19 to 28 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 19 और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और साथ ही SRPF आर्मी पुलिस कांस्टेबल के लिए 18 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम है 25 ईयर्स। और जो एज लिमिट है वो जो 31/12/2019 यानी कि दिसंबर से गिनी जाएगी। तो आइए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ ये एज, और साथ में अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी है उसमें 450 है, और साथ ही फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि जिसमें SC ST आते हैं वो 350 है। ओपन कैटेगरी में जनरल आते हैं ज़्यादातर। और जो पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड और UPI। तो अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 2nd December 2019 से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की ऑनलाइन 22nd December 2019 है। तो फ्रेंड्स, लिंक के बारे में बताने से पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट इज महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिंक, यू कैन विजिट ऑफिशियल साइट और आवर इम्पॉर्टेंट लिंक्स सेलेक्शन फॉर कांस्टेबल ड्राइवर महाराष्ट्र पुलिस लॉग इन एंड रजिस्टर लिंक। और जैसे कि बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है व्हाट इज महा पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर राइट इन रिटर्न एग्जाम डेट। सो एग्जाम डेट फॉर अ पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर महाराष्ट्र पुलिस विल बी अनाउंस शॉर्टली। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका ये होता है कि मैं लिंक पे कैसे जाऊंगा, मैं कैसे क्वेश्चंस करूंगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जो बेस्ड होगा पहले तो ऑनलाइन टेस्ट पे होगा, उसके बाद जो टेस्ट को क्रैक करते हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा और आपकी जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट लिंक है तो उसके बारे में बात करते हैं महापुलिस कांस्टेबल ड्राइवर नोटिफिकेशन 2019 के तहत। तो जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 3 दिसंबर से, यानी कि आज से एक्टिवेट हो जाएगा वो लिंक। आप उस पर क्लिक करके जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन लिंक है उसको आप, नोटिफिकेशन लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अप्लाई करने का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप महाराष्ट्र पुलिस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो भी वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके आराम से आप पूरी डिटेल्स पढ़िए नोटिफिकेशन की, और आराम से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके तहत। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।